हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम। लेक्चर नंबर 93 मॉक टेस्ट। तो 93 मॉक टेस्ट अपने कंप्लीट हो जान गया आज। 93 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जान गया आज। तो चलो थोनू मैं पहला इंट्रोडक्शन दे देना छोटी जी कि 25 MCQ होंगे है। इन्हें विच सारे सब्जेक्टों को कवर करी दा, सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे है। किसी नू कोई डाउट हो, प्लेलिस्ट चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक हैगी है, तो ज्वाइन कर लियो। अज कमेंट सी जगह पर थोनू पहला विश कर दी है सारे नू हैप्पी टीचर्स डे। तुसी बनने वाले हो सारे टीचर, तो थोनू बहुत बहुत बधाई हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी टीचर्स डे। खिजा ट्यूशन टीम वालों सारे हेलो साडे प्यारे प्यारे फैमिली मैंबरस नू। तो चलो शुरू करते हैं अपना हुण अज दा मॉक टेस्ट। तो चलो अपना 93 नंबर मॉक टेस्ट है अज। लो, साडी आकाश गंगा दे केंद्र दी परिक्रमा करन विच सूरज नू समा लगता है 2.5 करोड़ साल, 10 करोड़ साल, 25 करोड़ साल, 50 करोड़ साल। थोनू मैं एक होर चीज़ जिन्ना चर तुसी आंसर करते हैं कह दिना कि बहुत बहुत धन्यवाद। जदों तुसी ग्रुप दे विच विशिस कर रहे सी, बहुत बहुत शुक्रिया। परसनल मैसेज भी आए सी बच्चों के, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जिहड़े बच्चे भी मैसेज कर रहे थे, रिप्लाई करन दा टाइम नहीं मिलिया होना, पर मैं देख लिया सीगा। उस तो बाद जरूर रिप्लाई करूँगा उन्होंने सून एज पॉसीबल। थैंक यू जिहड़े बच्चों दीआं विशेज आईआं सी सारिआं दीआं, साडी सारी टीम वल्लों, साक्षी मैम वल्लों, मोहित सर वल्लों भी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो आप आंसर वाल चलते हैं। बिल्कुल ज़्यादा समय तो बिल्कुल नहीं लैना गा। तो चलो आप आंसर वाल चलते हैं। आंसर अपने को लगा सी 25 करोड़ साल। ठीक है, नैक्सट चलते हैं। समुद्री जल दे तल विचों जो परिवर्तन हुंदा है वह स्थानक हुंदा है, केवल सथल नूं प्रभावित करता है, विश्वव्यापी हुंदा है, उपरोक्त सारी गलत है। ए बी सी डी। अज फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले है, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन होने वाले है, न्यू क्वेश्चन होने वाले है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जो भी तुम मॉक टेस्ट लाना है कि थोड़ा नवा ही कुछ सीखने मिलेगा हमेशा। दसो की आंसर आएगा। समुद्र जल के तल में जो परिवर्तन होंगे वह होंगे, स्थानक होंगे, केवल सथल को प्रभावित करता, विश्वव्यापी होंगे या कोई भी नहीं। ए बी सी डी तो अपना राइट आंसर आऊगा। वैरी गुड वैरी गुड। जिहड़े बच्चे आंसर कर रहे हैं तो अपना राइट आंसर आएगा सी, विश्वव्यापी होंगे। ठीक है, नैक्सट चलते हैं। हेठां विचों केड़ी अपरदनात्मक परक्रम नहीं है। ठीक है, नदी, हिमनदी, वायु, ज्वालामुखी। ए बी सी डी दसो की आएगा। हेठां विचों केड़ी अपरदनात्मक परक्रम नहीं है। नदी, हिमनदी, वायु, ज्वालामुखी। ए बी सी डी। जल्दी जल्दी हत्थ पालो हुण आंसर करन दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुसी एग्जाम दे नेड़े ज़्यादा लंबिया वीडियोस नू देख के ही घबर जाओ। विच भला दी अपने 25-30 क्वेश्चन होंगे, वो तां थोनू टाइम दे दईदा है तां जो तुसी आंसर कर सको। पर जल्दी जल्दी आंसर करोगे, जिन्ना टाइम घट कम लवेंगे आप, उन्ने ज़्यादा बच्चों नू अप्रीशिएशन मिलेगी कि जल्दी जल्दी कर लिए असी याद, क्योंकि एग्जाम के नेड़े तो आप रिविजन करनी है। तो चलो आप आंसर वाल चलते हैं। थर्ड का अपने को आंसर आएगा। वैरी गुड, जिहड़े बच्चे आंसर कर रहे हैं वह आएगा अपने को डी, ज्वालामुखी। ठीक है, डी आंसर आएगा, ज्वालामुखी। नैक्सट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन नाल। देश के उत्तरी मैदानों विच गर्मियों विच चलन वाली धूड़ भरी स्थानक पौन नूं कहा जाता है, सुनामी, मौनसून, काल विसाखी, लू। ए बी सी डी दसो की आंसर आएगा। इहदा यह तो सारे बच्चों पता ही होना चाहिए। वैरी गुड, जिहड़े बच्चे आंसर कर रहे हो, जिन्ने जने भी देख रहे होंगे हो, सारे बच्चे फीडबैक जरूर देकर जाया करो, आंसर जरूर करया करो, कमेंट जरूर करया करो, तां जो सानू थोड़े जिहड़ा रिस्पोंसिज है, फीडबैक है, उन्हां दा पता लग सके कि बच्चे की पसंद कर रहे हैं वीडियोस दे विच, की चीज़ उन्होंने वधिया लग रही, किस चीज़ से दिक्कत आ रही है, हर एक चीज़ का सानू पता लग सके। वो थोड़े रिस्पोंस नाल ही आना है, यही कि सानू वैसे ही पता लग जाना। जे तुसी रिस्पोंस दोगे तां ही सानू पता लगेगा। तो फोर्थ आंसर वाल चलते हैं। फोर्थ आंसर अपने को आएगा डी, लू। नैक्सट चलते हैं फिफ्थ वाल। वैरी गुड। ताना पंछी विहार कित्थे है? भरतपुर, शिवपुरी, जोरहाट, सवाई सोधोपुर। ए बी सी डी। भरतपुर, शिवपुरी, जोरहाट, सवाई मोधोपुर। ए बी सी डी दसो की आंसर आएगा। इनका जिहड़ा ताना पंछी विहार कित्थे है? ए बी सी डी। ये ना सोचो कि वैसे जीके का क्वेश्चन है, ये सिलेबस के विच हैगा थोड़े। ठीक है, कि जो सोचो चलो सर तो वैसे क्वेश्चन पाई जाते हैं, नहीं, सारी चीज़ एक एक चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगी, एक एक चीज़। दसो की आएगा हम फिफ्थ का आंसर। ए बी सी डी। वैरी गुड वैरी गुड। जिहड़े बच्चे आंसर कर रहे हैं बहुत वधिया बहुत वधिया बहुत वधिया, थोड़ी तैयारी हो रही है, बहुत वधिया थोड़ा परफॉर्मेंस जा रही है। तो चलो दसो की आंसर आएगा। इनका अपना आंसर वाल चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अपना आंसर आएगा फिफ्थ का ए, भरतपुर। वैरी गुड। नैक्सट चलते हैं सिक्स्थ वाल।
कुल तारक पुस्तक केड़े गुरु साहिब नाल संबंध रचना है? श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु अमरदास जी, ए बी सी डी दसो। जिहड़ी कुल तारक पुस्तक है वह केड़े गुरु साहिबान नाल संबंध रखती है? ए बी सी डी दसो की आएगा? इन्हें नाम तो ही थोड़ा पता लग गया होना, ध्यान नाल थोड़ा जिहा फोकस करोगे नाम तो थोड़ा वैसे ही पता लग जाना। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? वैरी गुड, वैरी गुड, जिहड़े बच्चे आंसर दे रहे हैं बहुत वधिया। अज फिर 7 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर लियो, थोड़ी SST की क्लास होने वाली है। दसो की आएगा? कुल तारक पुस्तक केड़े गुरु साहिबान नाल संबंध रखती है? तो अपना राइट आंसर आएगा, वैरी गुड, वो आएगा ए, श्री गुरु नानक देव जी, ए आंसर आएगा अपने को। नेक्स्ट चलते हैं। कुल तारक पुस्तक का संपादक, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने देनी, ठीक है? डॉक्टर नार सिंह, गोबिंद लाबा, कृपाल सिंह गंसेल, परमिंदर सिंह, ए बी सी डी। कुल तारक पुस्तक का संपादक डॉक्टर नार सिंह, गोबिंद लाबा, कृपाल सिंह गंसेल, परमिंदर सिंह, ए बी सी या डी। वेरी गुड, सारे बच्चे आंसर कराया करो, वाद तो वाद किसी बच्चे नू किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। जे कोई कन्फ्यूजन लगे तो पूछ लिया करो। दसो की आंसर आएगा इन 7th का? वेरी गुड, वेरी गुड, 7th का अपने को आंसर आएगा डी, परमिंदर सिंह, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट चलते हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने 12 माह की रचना किस राग विच कीती? राग सीरी विच, राग माझ विच, राग तुखारी विच, राग मारू विच, ए बी सी डी। दसो की आंसर आएगा? हूँ थोड़ा मैं पहला क्या है कि वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिहड़े तुसीं कदे कह लो कि देखे नहीं होने आस पास, जां नॉर्मली की गल कर रहे हैं, नॉर्मली बिल्कुल नहीं देखे होने आस पास कि यह जे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। दसो की आएगा? गुरु नानक देव जी ने 12 माह की रचना किस राग विच कीती? राग सीरी विच, राग मांझ विच, राग तुखारी विच, राग मारू विच, ए बी सी डी। वैरी गुड, वैरी गुड, इन्हां नूं पहलां देख लिया करो, फिर सेकेंड टाइम नोट कर लिया करो, बस थोड़ी जिहड़ी रिविजन है वह भी नाल हो जूगी, नाल थोड़ा जिहड़ा टाइम भी मिल जूगा स्पेंड करन दा। हुण तुसीं सिर्फ आंसर कराया करो, होर किसी चीज़ नाल ध्यान ना दिया करो। आप राइट आंसर वाल चलते हैं। राइट आंसर अपने को आएगा 8 दा सी, राग तुखारी विच। वैरी गुड, अगला क्वेश्चन थोड़ा आंदा ही होना, जपजी साहिब विच कुल पौड़ियाँ, पंजाबी दे लैक्चर विच कीता गया क्वेश्चन है 35, 38, 36, 32, ए बी सी डी। दसो की आंसर आएगा इहदा? जपजी साहिब विच कुल पौड़ियाँ, ये कीता होया क्वेश्चन है, पंजाबी दे लैक्चर विच सारे बच्चों नूं करवाया सी। दसो की आंसर आएगा? मैं दोबारा फिर दसदा कि थैंक यू जिहड़े बच्चे विशेस कीतियां सी, जिहड़े बच्चे मैसेज कर रहे सी करके, बहुत बहुत शुक्रिया थोड़े प्यार ते सपोर्ट वास्ते, बड़ा वधिया लग्या सानू देख के। तो चलो 9th के आप आंसर वाल चलते हैं। 9th का अपने को आंसर आएगा डी, 38, 38। वैरी गुड, ओंसी की है? एक गहना है, पंजाबी लोक जीवन का एक विश्वास है, एक त्यौहार है, एक शगन है, ए बी सी या डी। दसो की है ओंसी? ए बी सी डी। दसो की आंसर आएगा? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, जिहड़े बच्चे आंसर कर रहे हैं बहुत वधिया। ए आएगा, एक गहना है, पंजाबी लोक जीवन का एक विश्वास है, एक त्यौहार है, एक शगन है, ए बी सी डी। दसो की आंसर आएगा इहदा? तो आप ही दस दें। चलो राइट आंसर अपना है बी, पंजाबी लोक जीवन का एक विश्वास है, ठीक है, बहुत वधिया, बहुत वधिया, सही जा रहे हो बिल्कुल। तो नेक्स्ट चलते हैं हिंदी वाल। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? श, श, र। दसो की आंसर आएगा? ए बी सी डी। दसो की आंसर आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? देखो सारे ही कन्फ्यूजिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखना, तुसी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है तो आंसर जरूर नोट करके रख लियो अपने को, जो भी दोबारा देखो तुसी। दसो ए आएगा 11वें का, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? आई थिंक बच्चे नाल दी नाल आंसर करन लग जांदे, बड़ा वधिया लगता मैं, जल्दी जल्दी जिहड़े फास्ट फास्ट आंसर करते हो, यही भी 25 मिनट जो स्पीड नाल पढ़ लैंदे हो तो थोड़े दिमाग दे विच चीज़ां काफ़ी फिट हो जांदियां। अपना राइट आंसर आएगा बी, ठीक है, बी आंसर आएगा अपने को राइट। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ज, र, ह, क्ष, ए बी सी डी। दसो की आएगा? निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? ज, र, ह, क्ष। वेरी गुड, वेरी गुड, जिहड़े बच्चे आंसर कर रहे हैं बहुत वधिया, सारे बच्चे वध तो वध आंसर करया करो, ताही थोनू पता लगना है कि किन्नी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है, किन्ना ज़्यादा थोनू सीखन नू मिल रहा है,
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਏ ਜ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 13ਵੇਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਏ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਂਸਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਦੰਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਸ਼ੋਟ ਕਡੋਸ਼ਚਟ ਕੰਠ ਤਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ। ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਪੜਿਓ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 13ਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਡੀ, ਕੰਠ ਤਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਨਮੇ ਸੇ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ, ਚੌਗੁਣਾ ਨਿਆਂ ਤੀਨ ਕੁਛ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਇਨਮੇ ਸੇ ਗੁਣਵਾਚਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਆਂਸਰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਆਂਸਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਨਯਾ, ਬੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਯਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਸਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੀਠਾ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਕੌਣ ਸਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੀਠਾ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 25 ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਭਲਾਂ ਦੀ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਬੈਲੈਂਸਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਂਸਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 15ਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇਜ਼, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੇਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 16 ਵੱਲ, ਸਮੇਰੀਅਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਿੰਬਲ, ਐਸ ਐਸ ਏ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਆਰ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਂਸਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਐਸ ਐਸ ਏ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਆਰ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ 16 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਸੀ, ਐਸ ਅਤੇ ਐਮ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 62, ਠੀਕ ਹੈ 62 ਆਪਣੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਿਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ, ਸੀ ਏ ਓ, ਸੀ ਏ ਓ ਐਚ, ਸੀ ਏ ਓ ਓ ਟੂ, ਸੀ ਏ ਬ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਓ ਐਚ ਟੂ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਦੱਸੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ, ਏ ਆਏਗਾ, ਬੀ ਆਏਗਾ, ਸੀ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਡੀ ਆਏਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਦੇਖੋ 14 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਆ, 17 ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਤੋਂ 22 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 17ਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਡੀ, ਡੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਊਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸੁਚਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਂਬਾ, ਸਿਲਵਰ, ਸੋਡੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਊਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਊਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸੁਚਾਲਕ, ਤਾਂਬਾ, ਸਿਲਵਰ, ਸੋਡੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਊਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਏ ਆਏਗਾ, ਬੀ ਆਏਗਾ, ਸੀ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਡੀ ਆਏਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 18ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਣਾ, 18ਵੇਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਏ ਆਏਗਾ, ਬੀ ਆਏਗਾ, ਸੀ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਡੀ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ
मैं ही दस देना थोनों की आएगा अपना आंसर, तो अपना आंसर आएगा बी चांदी सिल्वर, ठीक है बी आंसर आएगा अपने को। नेक्स्ट चलते हैं 19 वाल, फास्फोरस दे अपरूपां की संख्या 1, 2, 3, 4 फास्फोरस दे अपरूपां की संख्या ए बी सी डी। अज मैं लगता जल्दी थोड़ा लैक्चर समाप्त हो जाना है 20 मिनट तो 22 मिनट के आसपास, तो थोड़ा किमें लग्या जरूर दस के जायो, दसो की आएगा फास्फोरस दे अपरूपां की संख्या। हैप्पी टीचर्स डे अगेन सारे बच्चों विच तां कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम मैक्सीम बच्चे बैठे होंगे है अपनी लाए दे विच आंसर कर रहे होंगे है। चलो आप राइट आंसर वाल चलते हैं, 19 का अपने को राइट आंसर आएगा वेरी गुड, जिहड़े बच्चे ने आंसर करता वो आएगा अपने को बी, दो आएगा ठीक है। चलो 19 का बी आंसर आएगा दो। चलो हूँ थोड़े चलते मैथ वाल, हूँ थोड़ा टाइम मिलना चाहिए थोड़ा जहा होर। घटना ए की संभावना प्लस घटना ना होने की संभावना 0, 1, 0 ते 1 विचकार 1 तो ज़्यादा ए बी सी डी, घटना ए की संभावना प्लस घटना ए ना होने की संभावना 0 है 1 है 0 ते 1 विचकार 1 तो ज़्यादा, ये तो मैं लगता सोल्व करना ही नहीं होना, तुम यदा सीधा आंसर दोगे सोच के। चलो फिर भी कोई नहीं मैथ है 10 सेकेंड वध ले लो, ए आएगा बी आएगा सी आएगा जी डी आएगा उन्होंने चर मैं तुम दस दिना। जिहड़े बच्चे ने टैलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लियो, जिहड़े बच्चे ने फेसबुक पेज तो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो भी जरूर ज्वाइन कर लियो। सारे सोशल मीडिया से जो भी तुम कुछ भी सर्च करोगे सखिजा ट्यूशन के नाम तो सारा कुछ थोड़ा अवेलेबल मिल जूगा, जो मर्जी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, कोई लिंक कोई फालतू कोई चीज़ों के नहीं चल रहा थोड़ा कुछ, तो सिंपल सखिजा ट्यूशन सर्च करो थोड़ू सारिया चीज़ा प्रोवाइड हो जाएंगे। तो 20th का आंसर वाल चलते हैं, 20th अपने को आएगा बी 1 वेरी गुड। 21st वाल चलते हैं, लो हूँ सोल्व कर लियो थोड़ा टाइम ले लियो, उस चक्कर का खेत्रफल पता करो जिसका परिमाप 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर होवे, ठीक है उस चक्कर का खेत्रफल पता करो जिसका परिमाप उस 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर होवे, 616 सेंटीमीटर स्केयर 25 सेंटीमीटर स्केयर आई थिंक 25 लिखा है सर ने 154 सेंटीमीटर स्केयर 11 सेंटीमीटर स्केयर ए बी सी या डी, दसो की आंसर आएगा ए आएगा बी आएगा सी आएगा या डी आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, उस चक्कर का खेत्रफल पता करो जिसका परिमाप उस 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर होवे, वेरी गुड वेरी गुड, दसो की आंसर आएगा ए बी सी या डी, ठीक है बिल्कुल सही जा रहे हो, सोल्व कर लो सारे बच्चे, किसी डाउट होवे तो जरूर ग्रुप के एक दूसरे ना डिस्कशन कर लियो थोड़े डाउट जेडे क्लीयर हो जाएंगे। दसो की आएगा ए बी सी या डी, वेरी गुड वेरी गुड। 21st क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पेंडिंग, जे कोई डाउट होवे किसी बच्चे नूं तो ग्रुप च एक दूसरे ना डिस्कशन कर लिया करो। तो चलो आप राइट आंसर वाल चलते हैं, आई थिंक आंसर देता होना सारे बच्चों ने, तो अपना राइट आंसर आएगा सी 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 21st का सी आंसर आएगा। चलो 22nd वाल चलते हैं, लो एक त्रिभुज दियाँ भुजावं 56 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर लंबाई दियाँ हैं तो त्रिभुज का खेत्रफल पता करो 1392 सेंटीमीटर स्केयर 1344 सेंटीमीटर स्केयर 1311 सेंटीमीटर स्केयर 1322 सेंटीमीटर स्केयर ए बी सी या डी, दसो की आएगा इंदा। एक त्रिभुज दियाँ भुजावं जिहड़ियां 56 सेंटीमीटर है 60 सेंटीमीटर है 52 सेंटीमीटर है लंबाई दियाँ हैं तो त्रिभुज का खेत्रफल पता करो 1392 सेंटीमीटर स्केयर 1344 सेंटीमीटर स्केयर 1311 सेंटीमीटर स्केयर 1322 सेंटीमीटर स्केयर ए बी सी या डी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दसो की आंसर आएगा ए बी सी या डी। 22nd का एक त्रिभुज दियाँ भुजावं 56, 60 ते 52 हैं, आई थिंक आंसर करता होना सारे बच्चों ने। चलो आप आंसर थोड़े सामने पेश कर दें, 22nd का अपने को आएगा बी 1344 सेंटीमीटर स्केयर, वेरी गुड। चलो इंग्लिश वाल चलते हैं, लो वर्ड्स और लाइन्स रिटन ऑन दी टॉम ऑफ अ परसन, ठीक है टॉम तो सारे बच्चों को पता ही है की आऊगा, उन्हों की क्या जाता की चीज़ क्या जाता दसो उन्हों, एपीटैप उदू बाद अपने को एनेकडोट कैलीग्राफी डिक्शनरी
ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ। ਮੈਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਰਡਸ ਔਰ ਲਾਈਨਸ ਰਿਟਨ ਔਨ ਦੀ ਟੋਂਬ ਆਫ ਦੇ ਪਰਸਨ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ। ਦੱਸੋ 23rd ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ। ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਏ, ਐਪੀਟੈਪ, ਇਹ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 24th ਵੱਲ। ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਆਫ ਆਰਮੀ, ਕਰਨਲ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਆਫ ਆਰਮੀ, ਕਰਨਲ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸਪੋਂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਂਸਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਚੈਪਟਰ 8 ਆਪਣਾ SST ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ, ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ 24th ਦਾ, 24th ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਡੀ, ਜਨਰਲ, 24th ਦਾ ਡੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ 25th ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਡੈਸ਼ ਹੇਅਰ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਵਰਕ, ਵਰਕ, ਹੈਵ ਵਰਕ, ਹੈਡ ਵਰਕ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ 25th ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ, ਪੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਓਪਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1-2 ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਂਸਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੈਪੀ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਲਈ।